अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी किस्मत किसको कहते हैं। हम फिलहाल हैं सूरत में और सूरत नू जमना ने काशी नू मरन तो ठीक है, बट भाई हम बहुत ज़्यादा लकी हैं यहाँ पे। हम देखो पंजाब से आए हैं एक ऐसी चीज़ ट्राई करने के लिए जिसको खाने के लिए गुजराती लोग भी जो हैं वो तरसते हैं। 3 महीने मिलता है सिर्फ साल में और भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी स्वादिष्ट होती है। 20-22 साल पहले यहाँ आया था, अच्छा। आज मैं वापस आया हूँ। अरे वाह, तो 20-22 साल के बाद आया हूँ। और भाई साहब कहते हैं कि सूरत आए और कोल्ड कोको ना पिया। और कहाँ का? हम एक शादी अटेंड करने आए थे पर शादी का खाना छोड़ के यहाँ खाने। अरे वाह, ये तो और आपने लेवल बढ़ा दिया है। मैं ट्राई कर लिया। अच्छा, आपकी वजह से? ये हमारी कजिन है जो सूरत। इनकी शादी तो नहीं है? नहीं। अरे वाह, लिटरली इस सीजन का वेट करते हैं गुजराती लोग। एक तरह से जैसे भुट्टा पकाते हैं उसी तरीके से पोंक पका रहे हैं और फिर इसके दाने जो है लकड़ी से झाड़ेंगे। भाई साहब आपको अहमदाबाद में हमने जबरदस्त फरसान दिखाया था और उंधियो दिखाया था और भाई सूरती फरसान में भी आपको बहुत ही जबरदस्त आइटम्स आज दिखाने वाले हैं। और इसके साथ भाई यहाँ का उंधियो जो है ना वो अलग है। मतलब मेरी ना फेवरेट जो न्यू डिश बन गई है वो बन गई है उंधियो। यार क्या जबरदस्त ये तरीके से एक तड़का लगाते हैं उसमें और जो वो बड़ी होती है जैसे हम पंजाब में कहते हैं बड़ी, इतनी कमाल होती है वो। जैसे ही आपकी जबान पे आती है फ्लेवर्स जो हैं सारे के सारे घुल जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि ऐसा मैं क्यों इसको इतना हाइप कर रहा हूँ। आप बोलोगे भाई हरिया तो हर चीज़ को हाइप करता है। भाई मैं जहाँ भी आता हूँ बहुत रिसर्च करके आता हूँ और उसको हाइप करना फिर मेरा फ़र्ज है। तो भाई साहब अभी इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया सर, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइए यहाँ पे क्या नाम से अपना और आपका क्या नाम है सर? ये जी दादा फरसान करके हमारा ब्रांड है, ये 2008 में हमने एस्टेब्लिश किया था और मेरा नाम है दैवत जानी एंड ओनर का नाम है रवि ठाकर एंड करण ठाकर। आप अभी ये आए हो यहाँ पे विंटर में तो मैं आपको स्पेशली आपको उंधियो दिखाऊंगा हमारा। ये बढ़िया सा उंधियो है, सीजन की वैरायटी हमारी। तो उंधियो के बारे में बताइए, ये होता क्या है सर? सर ये एक्चुअली होता है जैसे विंटर में ये मिलता है जी, ठीक है, पापड़ी रहता है यहाँ पे ऐसे स्पेशल बोला जाता है कि कटरगाम का पापड़ी, आलू रहता है। अच्छा, आलू रहता है उसके अंदर और ये मेथी का मुठिया हम लोग जो होता है ये डालते हैं। ये सबसे ज्यादा उंधिया के अंदर फेमस वैरायटी और फेवरेबल। उंधियो का पूरा प्रोसेस ऐसा रहता है कि पापड़ी को बॉईल किया जाता है, एक प्रपोर्शन के बाद रतारू डाला जाता है उसके अंदर। अच्छा। आलू डाला जाता है और फिर वो बॉईल करके पूरा फिर मिक्सचर रेडी करके हम लोग ये उंधियो बनाते हैं। इसमें देख रहा हूँ मटर भी है? मटर नहीं रहता है, वो पापड़ी के दाने रहते हैं। अच्छा, जो अच्छा, पापड़ी अच्छा। में से ये जो दाने निकले हुए जी, होते हैं ना ये पापड़ी के दाने हैं। लाल मिर्च भी रहता है, आलू भी रहता है और मसाला रहता है, स्पाइसेस रहते हैं और हरा लहसुन रहता है जो विंटर में स्पेशली मिलता है। ये रतालू है, ये भी डाला जाता है, इसका भी एक अलग टेस्ट रहता है, फ्लेवर रहता है। उसके साथ हम लोग ये भी बनाते हैं हरी तुअर का कचौरी रहता है। हरी तुअर का कचौरी? यस, ये तुअर स्पेशली विंटर में ही मिलती है। अच्छा हाँ, उसके अलावा हम लोग ये उसको फ्रोज करके 365 डेज इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी ये अभी विंटर का स्पेशल वेरायटी है, ये भी ट्राई करने जैसा वैरायटी रहता है। ये पात्रा है, ठीक है, ये आप वगार के भी खा सकते हैं इसको और ये ऐसे स्टीम भी खा सकते हैं। दिस वन इज मुठिया, लौकी का मुठिया है ये। मुठिया? हाँ राइट। और ये है वो हांडवो है। हांडवो जो आपने ज्यादातर मूवीज वगैरह में सुना होगा भाई, हांडवो ढोकला वर्ल्स दिस हांडवो। ये जो है वो है पाटोड़ी। ये क्या है? ये पाटोड़ी है, खांड भी बोलते हैं। खांडवी, अरे वाह, ये तो लाफिंग की तरह लग रहा है ना। और इसके अलावा ये इडरा है, व्हाइट इडरा, व्हाइट व्हाइट ढोकला भी बोल सकते हो आप। ये राइस बैटर का होता है? राइस बैटर का होता है जी 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 जी। और ये खमन है, ये है जी खमन इधर। अरे वाह जी, गाजर का हलवा है, ये पूरे भजिया। अच्छा, गाजर का हलवा भी है? अरे वाह, और इधर भजिया है, पूरी भी है, पकौड़े हैं, पूरी पकौड़े हैं। फिर आप ये बाजू आ जाएंगे तो मैं आपको फलाल का वैरायटीज दिखाता हूँ। फलाल? हाँ, ये साबूदाने का वड़ा है। अच्छा ठीक है जी। ये पैटिस है जी, ठीक है, और ये साबूदाने वाला खिचड़ी है। साबूदाना खिचड़ी भी है? वाह वाह। और सब्जी पूरी भी गरम बन रहा है अभी, जस्ट रेडी होगा। तो ये फलाल जो है वो हम 365 डेज बनाते हैं। फलाल क्या कहते हैं इसको, क्या मतलब? ये मतलब जो उपवास करते हैं लोग। अच्छा अच्छा, उपवास का खाना खाते हैं जी जी। तो ये पूरा उपवास का वैरायटीज रहता है और 365 डेज। और 11 वगैरह पे हम ये ज्यादा प्रपोर्शन में बनाते हैं। वाह वाह। और ये क्या है सर ऊपर जो रखा है? ये सिंगदाने वाला लड्डू है। सिंगदाने का लड्डू, ओनली ग्राउंडनट और घी डाल के बनता है। वाह। और उधर? और ये चूरमे वाला लड्डू है। चूरमे वाला लड्डू। और इधर समोसे है? समोसा है। ये वेडमी है, ये पूरनपुरी है, वेडमी। ये पूरनपुरी है? हां, वो मीठा रोटी जो बोलते हैं, तुअर का दाल और गुड़ से बनता है। अरे वाह, तो पूरन पोली भी है यहाँ पे, तो सब ये कुछ सब बेसिकली डेजर्ट में प्रिफर करते हैं लोग जी जी जी, कि खाना खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा हो जाए जी, तो ये पूरन पूरी खाते हैं। एवरीडे 2 पंजाबी सब्जी बनता है। अच्छा। तो जैसे ये पनीर बटर मसाला बनाया है, छोले बनाया गया है और ये गुजराती 2 सब्जी है, एक मिक्स वेज है और अपना लाल चौली कठोल जो आता है उस वो है। और ये 2 टाइप का दाल है हमारा, पंजाबी दाल और गुजराती दाल। तो ये जैसे हम लोग बेसिकली मील्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कि भाई पंजाबी थाली है, गुजराती थाली है,
जो लंच टाइम पे सब ऑर्डर्स करते हैं ऑफिस वगैरह में से खाने के लिए, आप यहाँ आए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। वाह, फॉर यंगस्टर्स से लेके बुजुर्ग लोग के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और सर एड्रेस क्या है अपना? एड्रेस ये है यूनाइटेड ग्रीन हॉस्पिटल के नीचे जी, आनंद महल रोड अड़ाजन। टाइमिंग हमारा सुबह 8 से लेकर रात को 11। भाई साहब ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये पूरी है, इधर है उंधियो, भाई साहब ये है तुअर दाल की कचौड़ी, और ये है पेटिस, और भाई साहब साथ में ये चटनी और पूड़ी, और साथ में ये देखो एक तरह से मसाला प्याज, और भाई इधर उंधियो। तो उंधियो तो आपको पता है मेरा फेवरेट बन चुका है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक लेते हैं बाइट। ओए होए होए होए, बढ़िया जाए बस तब मज़ा आएगा। ओहो हो हो हो, क्या जबर। अब मतलब इसको हाथ लगाते ही ना, आपका जो हाथ है या आपका जो फिंगर्स हैं भाई, वो पूरी तेल में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और ये देखो, ये बड़ी की मैं बात कर रहा था, ये जो बड़ी है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा था। तो ये आनी चाहिए। एंड हियर इज, भाई साहब गुजरात में ना मुझे नई एक चीज़ मिली है, उंधियो, और लिटरली इससे प्यार हो गया यार। इतना ज़्यादा मैं इसको हाइप क्यों कर रहा हूँ, आप जब खुद आके टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। हियर इज बाइट। ओह, बड़ी प्यारी सी मिठास है, और ये जो वड़ी है ना भाई, बहुत ये जादू है लिटरली। मतलब ये एक्स्ट्रा भी बेचते हैं, तो अगर आप सिर्फ ये वड़ी भी ट्राई करते हो आप बोलोगे भाई हरिया वाकई तूने सही चीज रेकमेंड करी है। बड़ी उंधियो, ओ उसमें फ्राइड आलू आया, कमाल, बहुत बढ़िया यार। और देखो जो दाल की कचौरी है ना, ये भी सिर्फ सर्दियों में मिलती है ये वाली दाल की, तो इसको भी डिप करते हैं। एंड हियर इज, मेरे हिसाब से गुजरात आओ ना तो बहुत बड़ा एपेटाइट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें खाने के लिए, और उसके ऊपर सारे फ्लेवर्स एकदम डिफरेंट। क्रंच है, जो मैदे में क्रंच होता है कचौड़ी में वो तो है, पर अंदर जो स्टफिंग कर रखी है ना दाल की, उसमें बहुत ही सौंधा सा फ्लेवर है, और घी का स्वाद आ रहा है, मज़ेदार है यार। Here's a bite. आए है, क्या बात। भाई साहब अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी किस्मत किसको कहते हैं। हम फिलहाल हैं सूरत में, और सूरत नू जमना ने काशी नू मरन तो ठीक है, बट भाई हम बहुत ज़्यादा लकी हैं यहाँ पे। हम देखो पंजाब से आए हैं एक ऐसी चीज़ ट्राई करने के लिए जिसको खाने के लिए गुजराती लोग भी जो हैं वो तरसते हैं। 3 महीने मिलता है सिर्फ साल में, और भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी स्वादिष्ट होती है कि लिटरली इस सीज़न का वेट करते हैं गुजराती लोग। हम फिलहाल हैं सरदार फ्लाईओवर के एकदम बगल में, और यहाँ पे भाई लिटरली मेला लगा हुआ है पोंग का। एक मार्केट है जहाँ पे लिटरली मेला लगता है पोंग का, और भाई फिलहाल लंच टाइम चल रहा है तो हमें मौका मिलेगा इनसे बात करने का। तो आओ आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं इन सबसे, और दिखाते हैं कि क्या होता है ये। रेखा जी से बात कराता हूँ आपकी। अभी हम हैं जी रेखा जी के पास, जो कि यहाँ पे हमें पोंग के बारे में समझाएंगे। रेखा जी सबसे पहले तो ये बताइए, ये आप कहाँ से हैं? हम सूरत से ही है। सूरत से, गुजरात सूरत। और ये क्या होता है, पोंक क्या होता है? इसको पोंक बोलते हैं, इसका जो खेत होता है ना इसको वानी बोलते हैं, वानी में से पोंक निकलता है। इसका खेत अलग ही रहता है, जो ज्वार आता है उसका रोटी बनता है, ये पोंक का रोटी नहीं बनता है। तो ज्वार बाजरा जैसे होता है, ये भी वैसे ही अलग है। ये भी वैसे ही एक चीज है, एक टाइप का मिलेट है, और मिलेट में ये पोंक रहता है। देखो ये पोंक है, और ये बनाते कैसे है, मतलब आप कैसे लेके आते हैं यहाँ पे? इसमें से निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्टिक है इसकी, इसमें से निकालते हैं। इसमें से नाना निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये निकाल के दो, एक दो दिखा सकते हैं आप? हाँ, कैसे निकालते हैं? पहला कौनस लाभ जन एक खेत में से लाके इसको भुना जाता है। अच्छा, भून के इसको ऐसे जुड़ के निकालते हैं, साफ करते हैं, बाद में ये दाना निकलता है। तो बाद में ये दाना निकलता है, और ये पोंग कहलाता है। सिर्फ गुजरात में मिलता है? ये गुजरात में मिलता है, सिर्फ गुजरात में। तो ये पोंक है, हम सही सीजन में आए हैं जी, विंटर सीजन में आए हैं, इसलिए हमें देखने को मिल गया। मिलता है जी जी जी। और आंटी इससे क्या क्या बनता है? और इससे पोंक पकौड़े बनते हैं, पोंक की पेटिस बनती है, और यह पोंक इसका खिचड़ी बनता है। अच्छा, सीरा बनता है, मुखवास में लोग लेते हैं, उसको ड्राई किया जाता है, बाद में ड्राई में इसको मुखवास के जैसे बना के काटे। भाई साहब ये देखो, ये है पोंक, इसकी खेती हो रही है। भैया इसको क्या कहते हैं? आंध्री वाणी, आंध्री वाणी इसको कहते हैं। और अभी देखिए भैया आपको दिखाएंगे इसको कैसे रोस्ट करते हैं। ये देखिए, ये भट्टी है, भट्टी के ऊपर ये लकड़ी की भट्टी है, नीचे लकड़ी जल रही है, उसके ऊपर ये देखो,
ओ भाई क्या बात है, ये स्पेशल राख है जी, उसको गर्म करते जा रहे हैं और उसको झाड़ के, ओ भाई क्या बात है, ये सब कोई जो है इसको झाड़ रहे हैं और लकड़ी से इसको निकालेंगे अब। ये एक तरह से जैसे भुट्टा पकाते हैं उसी तरीके से पोंक पका रहे हैं और फिर इसके दाने जो है लकड़ी से झाड़ेंगे और वहाँ पे अच्छे से रेत में इसको पका के और फिर यहाँ पे लकड़ी से इसको ऐसे मार के और सारा का सारा पोंक जो है वो इस बोरी में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं जैसी भी भाई, ये यहाँ के जैसी भी हैं, एंटरटेन कर रहे हैं सबको। ये देखिए अभी सर दिखा रहे हैं हमें, अरे वाह साहेब क्या बात है। अभी इसको झाड़ना पड़ेगा, इकट्ठा कर रहे हैं और जब झाड़ के निकालते हैं तो फिर हमने आपको दिखाया है वो पूरी, जब ये मार्केट में जाता है तो ऐसा लगता है कि दाल है हरे रंग की, पर ये पोंक है। अभी ये इसमें बेसन आता है, चने की दाल आती है, अच्छा उसमें सब मसाले लगा के प्याज डाल के इसका पकौड़ा बनता है, इसका पकौड़ा बोलते हैं। तो इसमें बेसन है, पोंक है, चने की दाल है, प्याज है और धनिया है। भाई साहब अभी आप देखना कि कैसे पकौड़े बनते हैं, देखो ऐसे पकौड़े बनते हैं। अरे वाह स्पीड देखो भाई की, वाह। इसके साथ चटनी आता है, चटनी वो दिखाइए भाई साहब। ये देखो ये है पोंक और भाई पोंक के पकोड़े हैं, साथ में पेटिस है और भाई पकोड़े जो है ना एकदम क्रिस्प हो जाते हैं, एकदम जैसे आप बोलो ये देखो, ओहो ओ भाई एकदम क्रिस्प क्रंच सब कुछ। और ये डिप करते हैं हम ये चटनी में, ये स्पेशल इन्हीं पकोड़ों के लिए चटनी है। एंड हियर इज, काफ़ी बार आपने देखा होगा भुजिए में जो एक ग्रीन कलर की जो एक मिलेट होती है जो हम खाते हैं, वो जो मिलेट होती है ना, ये उस मिलेट को पोंक कहते हैं, गुजराती पोंक है ये, और सिर्फ सर्दियों में आपको 3 महीने मिलेगी। हियर इज अ बाइट, जो गुजराती ये स्नैक्स है ना, फरसान कहते हैं ना, गुजराती जो फरसान है ना यार, मतलब इतना कुछ है यहाँ पे फरसान में कि अगर आप दिन सुबह शुरू करते हो 5 बजे और रात के 10 बजे तक, आपको अगर हर एक घंटे बाद एक डिफरेंट तरीके का फरसान खाओगे तब भी आपको 20-25 दिन लग जाएंगे आपको अलग अलग फरसान जो है वो ट्राई करते करते, इतने टाइप के फरसान हैं। और चटनी क्या ज़बरदस्त है यार, हल्की सी मिठास है। Smoking on that sour, got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realized they all some cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers, and we want it now, never later. No more favors. Done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, right? तब ये सूरत का चौक बाजार, सारा का सारा बाजार जो है भाई पूरा रंगीन, एकदम बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे। और ये सूरत का चौक बाजार वही बाजार है जैसे अपना दिल्ली का चांदनी चौक है, और कमाल भाई भाई यार। We never thought we'd get our chance to speak, so we just stay grinding, trying to hold our chips, and thank God for our chance to breathe. They told us stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak, so we just stay grinding, trying to. फिरोज भाई दिखाइए जरा कैसे आप बाहुबली जो थाली है वो रेडी करते हैं इसकी। भाई साहब ये रसा वाला खमन है और इसकी जो प्लेटिंग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको रेडी करते हैं। खमन देता है, पहले खमन सब जो है कटोरियों में डाल के और साथ में ये सलाद जी। तो भाई साहब एक एक करके अब देखना ये कटोरियां जो है वो रेडी होती जाएंगी। ये खमन चने की दाल का रहता है, चने की दाल का खमन है और साथ में हरिया धनिया जो है वो डाल रखा है भर भर के भाई साहब, और राई है साथ में। सलाद में भी 4-5 आइटम आएगा जी, प्याज आएगा, अच्छा धनिया आएगा जी, गोभी आएगा, मूला आएगा। तो इसमें सलाद में भी 4-5 आइटम है यार, और साथ में भर भर के ये देखो एक एक करके वो लाइन लग रही है, जिस तरीके से बाहर लोगों की लाइन लग रही है यहाँ पे कटोरियों की लाइन लग रही है। खमन तुम्हारा पूरा कहीं भी मिल जाएगा, फड़ लो खमन और रसा नहीं मिलेगा एंटी खाने इधर। अच्छा तुम्हारा टेस्ट पूरा सूरत में खा लिया, पूरा तुम पूरा खा लिया इधर सूरत का पूरा जी, ये रसाला खमन खा लिया था। क्या बात है, मतलब यहाँ आए इतना दूर और यहाँ पे सूरत में ये खा लिया तो अब सब खा लिया। सब खा लिया, नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया। वाह, तो सूरत नो जमण आने काशी नो मरण वाला जो बात है वो यहाँ पे आके प्रूव हो जाता है, इधर से पूरा होता है। वाह, तो ये कितनी पुरानी दुकान है? ये 60 साल पुराना है, 60 साल। वाह वाह, और क्या नाम से है दुकान? ये जय जनानंद रसाला खमन है जी। और आप कौन सी जनरेशन है? हम इधर के ओनर है। अच्छा, भरत भाई साटड़िया जी, थर्ड जनरेशन। हमारा दूसरे भाई भी पड़े जी,
और थर दिख रही है, अभी थर आदमी ने दूसरी पीढ़ी चल रही। अरे वाह, दूसरी पीढ़ी चल रही है, जबरदस्त है। और ये थाल जो है मैंने सुना है बाहुबली आप सजाते हैं, बनता है, बहुत बनता है, दिखाइए भाई साहब। अभी देखो ये बाहुबली थाल जो है वो रेडी होगा, और काफी मैंने वीडियोस देखी है इसकी, पर आज अपने सामने विटनेस करूंगा और आपको भी ट्राई कराऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पे ये खमन है, खमन के साथ इन्होंने सलाद डाला है, और अभी रसा जो है और जो सेव जो है वो आएगा इसके ऊपर। अभी देखो भाई ये आया दूसरा लेयर, सेव डाल के आगे जाएगा। जी जी जी, और ऊपर के ऊपर जो है भरता जाएगा इसको, ये पहाड़ बनेगा भाई इतना, देखना अभी। ये देखिए भाई साहब, ये आपका एक पहाड़ जो है रेडी है, और दूसरा पहाड़ बाहर जो है वो खड़ा है। और भाई साहब इधर आके इस पे ये जाता है रसा, और रसा में क्या होता है सर? चना के आटे का अच्छा, और दाल आती 5-6 दिन की दाल आती। अरे वाह, तो ये देखो अभी हमारी प्लेट जो है वो मिल जाएगी हमें, एंड वाह ये रसा डाल के, और जैसे ही रसा ऊपर का खत्म हो जाए तो दोबारा रिफिल। अरे वाह क्या बात है, अनलिमिटेड रसा, अनलिमिटेड सलाद, अनलिमिटेड। अच्छा, और आपकी यहाँ टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग सुबह का 7 बजे से 8 बजे तक है जी, उसकी प्राइस 30 रुपीज से खाली, बस 30 रुपीज। अरे वाह, गवर्नमेंट भाव 30 रुपया। और एक बार लोकेशन भी बताओ कहाँ पे है ये? लोकेशन आपको बताओ, चौक बाजार कमाल गली। जी, चौक बाजार कमाल गली, उधर से पुलिस है जी, इधर पुलिस स्टेशन है, सामने गैस पंप है। अच्छा, लोकेशन में जी बहुत बढ़िया। तो ये देखो हमारा जो प्लेट है वो भाई साहब ले गए, अभी हम और बनवाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, खाइए खाइए। जी जी जी, तो ये देखो सब लोग ले रहे हैं, हमने मिस कर दिया सर, एक हमारे लिए भी दीजिए। 60 किलोमीटर से खाना है अभी। कितना? 60 60 60। वाह वाह, जी जी जी, ओ भाई कमाल। बॉम्बे से खाना है रसा वाला। जी जी जी, बोलिए आप। नहीं नहीं, बोला थैंक यू। यहाँ पे हमें हमारे परिवार वाले भी मिल गए हैं। आप मुंबई से हैं? बिल्कुल। अरे वाह, एंड यहाँ पे स्पेशल खाने आए? नहीं, हम एक शादी अटेंड करने आए थे, पर शादी का खाना छोड़ के यहाँ खाने। अरे वाह, ये तो और आपने लेवल बढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया। आपका नाम? प्रतीक। प्रतीक जी, एंड वेयर इन मुंबई डू यू लिव? कहाँ रहते हैं? विलेपार्ले। विलेपार्ले, ओके, बहुत बढ़िया यार। तो ये आपने ट्राई कर लिया? अच्छा, आपकी वजह से? ये हमारी कजिन है जो, इनकी शादी तो नहीं है? नहीं। आपने ट्राई किया ना? आपने ट्राई किया ना? अच्छा लगा? वर्थ है यहाँ पे आना? टेस्टी, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू भाई साहब। देखो कितनी किस्मत वाली बात है कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ स्वाद बटांदरा कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये लेते हैं जी एक बाइट। आप कह रहे थे, आप कह रहे थे इसको है ना साइड से पहले जो रसा है जी उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाइए। ओके, हाँ बस। अरे वाह, हाँ थोड़ा ठीक हो गया। ओके, तो ये देखो ये है जी एक बाइट, फिर से बाइट रसा वाला खमन, और ये खाने हम इतना दूर आए। देखो ओ मैं सोच रहा था कुछ मीठा होगा, क्योंकि यूजुअली गुजराती खाना मीठा होता है ना, बट ये एकदम स्पाइसी है भाई, एकदम। सॉरी आपको ये है ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रसा लीजिएगा, इधर पोर करिए रसा, इधर देंगे वापस। अच्छा, और फिर आप है ना थोड़ा थोड़ा लेके खाइए, इसके ऊपर डलवाऊँ और? हाँ बहुत मजा आएगा सर, रसा दीजिए। हाँ रसा डालो इसमें। पापी डालो, पापी क्या बात है। अरे पापड़ी साथ में? अरे वाह वाह वाह, ये देखो भाई साहब ये तो ओवरलोड हो गया सर, आपने रसा बोला उन्होंने साथ में पापड़ी दिया। ओ वाह, अच्छे से मिक्स करके बस, ये थोड़ा सा अभी टेस्ट इसका लीजिए आप जी रसे के साथ। ओ हो भाई साहब, ऐसा टेस्ट टेस्ट अभी तक नहीं किया, परिवार वाले साथ में खिला रहे हैं, ये देखो। ड्राई मत करना, कमाल रसा डाल डाल के ही खाओ। वाह सर, आपका एक्सपीरियंस और उनका बहुत शौकीन हूँ खाने में। मैं 20-22 साल पहले यहाँ आया था। अच्छा। आज मैं वापस आया हूँ। अरे वाह, तो 20-22 साल के बाद आया हूँ, मगर मैं जगह इनको मालूम भी तो ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँचे। वाह क्या बात है सर, शौकीन है खाने के और हमारे परिवार वाले, और हमें दिखा रहे हैं कि कैसे खाते हैं यार, मतलब इससे बेटर भारत मेरी जान वाली फील नहीं हो सकती यार। आपका नाम साहब?
मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मज़ा आ गया भाई, ये अब ड्राई नहीं होने देना है, ऐसे खाएंगे। आपका वाला ड्राई हो गया? मेरा ड्राई हो गया, बट मैं थोड़ा ऐसे ही खाता हूँ। आ जाओ यहाँ पे, हम आगे चलते हैं। और भाई साहब कहते हैं कि सूरत आए और कोल्ड कोको ना पिया, और कहाँ का A1 कोल्ड कोको ना पिया, तो भाई साहब आपका जो सूरत का सफर है अधूरा रह जाएगा। हम अभी आ गए हैं A1 कोल्ड कोको पे, जहाँ का भाई साहब कोल्ड कोको, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये होता क्या है, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या होता है, दिखाता हूँ। आ जाओ। ओ भाई ये क्या है साहब? कोको। ये है कोको, गाढ़ापन देखो भाई साहब। ओहो क्या बात है, तार ही नहीं टूट रही। वाह ये देखो, ये आ गया बर्फ के अंदर। सर इसमें सिर्फ चॉकलेट और दूध होता है? चॉकलेट पाउडर रहता है, शक्कर रहता है। मिल्क, चॉकलेट पाउडर और शक्कर। और भाई साहब इसका गाढ़ापन देख के ना भाई साहब। और ये कितने का है? 70 रुपए का। और अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन क्या है आपकी? ये बोलेंगे चौक बाजार मेन रोड नियर सिल्क हाउस मार्केट जी। और टाइमिंग? टाइमिंग रहेगा सुबह 12 से रात को 12। सर एक ग्लास हमें भी दीजिए ना। तो ये देखो भाई एकदम फ्रेश जो है कोको, कोल्ड कोको आपको ट्राई करा के दिखाते हैं। ये देखो गाढ़ापन। ओ भाई वाह, अरे भाई क्या बात है। लो जी तो इसका करते हैं स्वाद बटांदरा। तो भाई साहब ये है A1 कोको पे हमारा स्पेशल स्वाद बटांदरा। हियर इज अ ग्लास। भाई साहब टेस्ट एकदम कॉम्प्लेन बॉर्नविटा जैसा, पर एकदम चिल्ड और गाढ़ा। मेरे हिसाब से जब गर्मी होती है ना गर्मी, तब आके एक कोल्ड कोको पियो, आपके अंदर आत्मा तक रूह तक एकदम ठंड पड़ जाएगी। आप बोलोगे कि भाई हरिया सही चीज़ बताइए, अब गर्मी लगनी बंद हो गई है, एसी चलाने की जरूरत नहीं है, कोल्ड कोको पियो।